उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दो दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। खास बात ये है कि इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। खबर ये भी सामने आ रही है कि इस मुलाकात में उत्तराखंड की लंबे समय से लंबित चली आ रहे मुद्दों पर मंथन हो सकता है। अपने गठन के 21 साल बाद भी उत्तराखंड परिसंपत्तियों के बंटवारे का दर्द झेल रहा है। इस बंटवारे का हल निकालने के लिए तमाम बैठकें की गई, लेकिन परिणाम बेनतीजा रहा। पार्टियां बदलती रही, लेकिन उत्तराखंड परिसंपत्तियों के बंटवारे का घाव नहीं भरा। साल 2019 के अगस्त महीने में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच एक बैठक हुई थी, जिसमें कई मामलों पर सहमति भी बन गई थी, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच चुनाव से ठीक पहले बैठक का होना उत्तराखंड के लंबित मसलों पर रोशनी डाल रहा है। इन 17 मुद्दों में सबसे पहला और खास मुद्दा ये है कि उत्तराखंड के हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिले में 2 दर्जन से ज़्यादा नहरें ऐसी हैं जो राज्य की सीमा से शुरू होकर राज्य में ही खत्म होती हैं, लेकिन इन नहरों का नियंत्रण पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश के पास है। इतना ही नहीं, इन नहरों के पानी का लगान और आबपाशी उत्तर प्रदेश वसूल करता है। ऐसे ही 16 मुद्दे और भी हैं, और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ के बीच होने वाली इस बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।